महिला अपना घर छोड़ के आती है, अच्छी बात है, मगर पुरुष भी एक अनजान महिला को अपना घर सौंप देता है, ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। बीवी के मायके की बुराई करे और पाए अपने खानदान का गौरवशाली इतिहास जानने का सुनहरा मौका, वो भी बिल्कुल फ्री। संता बोला, यार चाय फायदा देती है या नुकसान? बनता, कोई पिला दे तो फायदा है, पर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। अच्छा सुनो, आज तो मुझे आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा हो रही है। हाँ, बस ऐसे ही शुरुआत होती है किचन का काम सिखाने की। फिर हुआ मोहल्ले में तमाशा, आज सवेरे सवेरे वो हमें, हम उन्हें और लोग हमें देखते रहे। पति पत्नी कहीं जा रहे थे, रास्ते में टायर पंचर हो गया, इधर पति ने टायर बदलना शुरू किया, उधर बीवी की किचकिच शुरू, हवा कम है, टायर पुराना हो गया ना, स्टेपनी वाला टायर तो बराबर है ना, कील तो नहीं घुसी। तभी वहाँ से जाते एक बाइक सवार ने बाइक रोक के पति से पूछा, मैं कुछ मदद करूँ? पति बोला, तू थोड़ी देर इससे बात कर ले, तब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति नाराज होके पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी बोली, अब मैं 10 तक गिनती करूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं तुम्हें हमेशा छोड़ के चले जाऊंगी। पत्नी, 1, 2, 3, 4, 8। पति खामोश रहा, पत्नी, 9। पति फिर भी चुप रहा, पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू, पति, गिनती गिन गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं तो सच में ही घर छोड़ के जाने वाली थी। एक सच बात, रास्ते पे कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहन के उस पे चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं।